हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव की चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे परवल और चने की सब्जी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये देखिए हमारा परवल और चने की सब्जी बनके तैयार है। फ्रेंड्स, सब्जी को बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने दो परवल लिया है और इसे छील के मीडियम साइज के साइज में से काटा है। इसे फ्रेंड्स कहीं पे परोल भी बोलते हैं, कहीं पे नेनुआ भी बोलते हैं, तो हमारे जगह दोनों चीज़ों का इस्तेमाल होता है, दोनों नाम से जाना जाता है। और आपके शहर में किस नाम से जाना जाता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो छील के हमने इसे काट लिया है। आप जिस भी प्रकार से शेप में रखना चाहते हैं रखें, कि जब आप कढ़ाई में बनाएंगे तो पूरा अच्छी तरीके से गल ही जाएगा, साइज कैसा भी हो। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की आप सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। आप चाहें तो इसे चने के दाल में डाल के बना सकते हैं, या फिर खड़ा चना में डाल के बना सकते हैं, या फिर बिना चना का भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन चने में जो बनने के बाद जो स्वाद आता है ना फ्रेंड्स, वो किसी भी चीज़ में नहीं है। तो ये हमने चना भी ले लिया है। चना हमने 50 ग्राम के आसपास रात भर भिगने के लिए छोड़ दिया था फ्रेंड्स। तो अब हम कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे और मिर्ची और पंचफोरन हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। चार हमने हरी मिर्च का प्रयोग किया है और पंचफोरन आधी चम्मच के आसपास। इसे सुनहरा होने देंगे। अब हम इसमें नेनुआ डालेंगे फ्रेंड्स। और इसे अच्छे से मिलाएंगे। इसमें पानी का इस्तेमाल आप ना करें, क्योंकि परोल में पहले से इतना पानी रहता है कि इसे पकने के बाद। अब हम इसको कवर कर देंगे और कवर करके 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। तो ये देखिए हमारा नेनुआ पानी छोड़ चुका है फ्रेंड्स। इसी तरीके से इसको ढक के पकाएंगे, 2 से 3 बार ढक के पकाएंगे। लगभग 10 मिनट तक पकाएंगे इसे, 8 से 10 मिनट तक। तो ये हमारा फाइनली पक जाएगा फ्रेंड्स। इसे तेज फ्लेम पे पकाएंगे। अब हम इसमें चना ऐड करेंगे जो कि हमने रात भर भिगो के रखा था। तो अब हम इसको फिर से ढकेंगे और इसे फिर पकाएंगे अच्छे से। तो अब देखते हैं। तो ये देखिए अभी भी हमारा परोल में पानी काफ़ी है। तो इसे फिर से ढक के पकाएंगे। और इसमें आप चना कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो खाना। आप चाहे तो नहीं भी डालें चना। तो फिर से हम कवर कर देंगे इसे। और ये देखिए हमारा पानी कुछ जल चुका है, तो यहाँ पे हम नमक ऐड करेंगे और इसे एक बार फिर से कवर करेंगे। तो ये देखिए हमारा पानी बहुत जल चुका है, सूख चुका है पानी। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हम ऐड करेंगे। अदरक हमने 1/2 इंच के आसपास लिया है और लहसुन की कलियां 6 से 7, दोनों को अच्छे से मैश कर लिया था, पीस लिया था हमने। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे फ्रेंड्स। मसाले में हमने सारे मसाले को आधी आधी चम्मच लिया है। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, चारों मसालों को हमने आधी आधी चम्मच लिया है।
तो ये मसाला तभी डालेंगे फ्रेंड्स जब हमारा परवल अच्छे से पक चुका होगा और इसका पानी पूरा जल के कम हो चुका होगा, मतलब बिल्कुल पानी कम हो इसमें तब डालेंगे। तो मसाले को हम फिर से डालने के बाद इसे 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तो लास्ट में हम यहाँ पे गरम मसाला ऐड करेंगे, आधी चम्मच से भी थोड़ी सी कम। तो ये हमारा परवल और चने की सब्जी बनके तैयार है फ्रेंड्स। तो अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमारे परवल और चने की सब्जी बनके तैयार है फ्रेंड्स, और इसका टेक्सचर भी देख लीजिए, इस प्रकार का थिकनेस हम रखेंगे। ऐसे वो आपको पसंद हो तो थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से आप बनाएंगे तो ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। और इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें, इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।